जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज मैं गरम मोजा बनाने जा रही हूँ। छोटे बच्चे के लिए मोजा बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी आपके साथ बताऊंगी कि ये कैसे बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। मोजा बनाने के लिए पहले हमको 20 फंदा डालना है, तो पहले फंदे डालते हैं। 20 फंदे डाल लेती हूँ। 5 फंदे हुआ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये मेरा 20 फंदे हो गया। ये मैंने छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर 1 साल तक के लिए बच्चे के लिए ये बन सकता है। और आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो अपने हिसाब से इसका फंदा ज़्यादा कम कर सकती हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाना है ये देखते हैं। तो मैंने फंदा जब डाल ली उसके बाद अब इसको उल्टा बुनेंगे, उल्टा बनाना शुरू करेंगे। सारे फंदे को उल्टा बुनेंगे। बहुत सिंपल ये डिजाइन है। ऐसे ही इसको बनाते जाना है। बहुत सिंपल डिजाइन है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। ये मैं 2 कलर का बना रही हूँ। ये वाला डिजाइन 1 कलर में भी बनता है। ये देखिए मेरा ये 19 फंदा हो गया और ये 20 फंदे हो गया। अब उल्टा साइड से भी उल्टा ही बुनेंगे। ये उतार लिया आगे वाले फंदे को और फंदे को अपने तरफ करके फिर ये सारे फंदे को उल्टा बुन लेंगे सीधे तरफ से और उल्टे तरफ से। दोनों साइड से इसको उल्टा ही बुनना है। दोस्तों अब तो ठंडा आने वाला है तो उसके लिए पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। गरम मोजे का बहुत सुंदर लगेगा जब ये बनकर मोजा तैयार होगा। ये हमको मोजा बनाने के लिए ऐसे 4 सलाई बुनना है, 1 कलर से, फिर दूसरे कलर से भी 4 सलाई बुनना है। तो अभी मेरा 1 सलाई और बुनेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आप कलर कॉम्बिनेशन देखकर और ये मोजा बनाना शुरू कीजिए। बहुत सुंदर मोजा का डिजाइन है। देखने से तो बहुत सिंपल है लेकिन जब बनकर तैयार होगा तो बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए मेरा ये 2 लाइन हमको बनाना है। ये 2 लाइन मेरा पूरा हो गया। अब उल्टे तरफ से इसमें दूसरा कलर जोड़ दूंगी। मैंने ये ब्लू और पीला 2 कलर ली हूँ। इसमें अब ये पीला वाला जोड़ूंगी। इसको जोड़ने के लिए सलाई पर ऐसे डालकर और इधर से खींचकर बांध लेंगे। इसको यहीं पर गांठ दे देंगे ताकि खुले ना। और फिर उल्टा बुनते जाएंगे ऐसे पीला वाला से उल्टा बुनेंगे। 4 सलाई ब्लू वाला बनाएंगे और 4 सलाई पीला वाला बनाएंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मोजा का डिजाइन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये आज का मोजा का डिजाइन कैसा लगा। अब ये देखिए सीधे तरफ से, जब भी आपको दूसरा कलर लगाना हो तो आप उल्टे साइड से लगाइए, नहीं तो ज़्यादा उल्टा उल्टा दिखने लगेगा। अभी ये आगे वाले फंदे को उतार लेना है और अपने तरफ लेकर
और फिर उल्टा बुनते जाना है। ऐसे ही ये पीले कलर से चार सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरा चार सिलाई पीला वाला से पूरा हो गया। अब उल्टे साइड से ये वाला कलर जोड़ लेंगे। दोस्तों ऐसा ही ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जोड़कर 20 लाइन हमको बनाना है। ये चार सिलाई बना है और ये चार सिलाई बना है। ऐसे ही यहाँ से गिनेंगे एक दो, ऐसे करते हुए 20 लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। उसके बाद मोजा को कैसे सिलेंगे ये देखना है। और अब यहाँ पर ये चार सिलाई बनाने के बाद ये वाला ब्लू वाला आप जोड़ देंगे। अब इससे बनाएंगे और 20 लाइन इसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद मोजा को बंद कर देंगे। पहले ऐसे ही बुनते हैं। और आप जब भी छोटा बच्चे के लिए बनाइए तो ये वाला जो फंदा डाले हैं 20 फंदे, ये इतना ही रहेगा। आपको ये वाला लंबाई बढ़ाना है बच्चे का पैर के अनुसार। आप ये लंबाई बढ़ा सकती हैं। ये देखिए ऐसा 20 लाइन बनाना है। ये वाला 10 होगा और ये वाला 10, दोनों मिलाकर 20 बनेगा। मेरा भी 2 कंप्लीट हुआ है और बाकी का 18 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें कोई आगे पीछे कोई डिजाइन दूसरा नहीं है, यही बस सिंपल है कि ऐसा 20 लाइन बनाना है। 20 लाइन बनाने के बाद उसको बंद कर देंगे। ये देखिए मेरा 20 लाइन कंप्लीट हो चुका है। पहले गिन लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 लाइन कंप्लीट हो चुका है। बस ऐसा ही बनाना है इतना ही। अब उसके बाद फंदे को बंद कर देंगे। अब ये सारे फंदे को बंद कर देते हैं। हल्के हल्के इसको बंद करना है, ज़्यादा टाइट नहीं कर रखना है, मीडियम साइज में रखना है। टाइट रखने से ये सिकुड़ जाएगा। ऐसे ही करके इसको बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद इसको सिलेंगे। ये 2 कलर का मोजा डिजाइन बहुत सुंदर रहेगा। इसमें 1 कलर का भी आप बना सकती हैं, बहुत सुंदर लगता है। जब स्वेटर बनाइए तो उसका सेट भी ये मोजा बना सकते हैं। थोड़े से ऊन में बन जाता है, बचा हुआ ऊन में भी बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऊन बचा रहता है उसका भी बन जाएगा, मल्टी कलर में भी बन जाएगा। ये बंद हो गया। अब इसको यहाँ पर गांठ देकर इसको काट देते हैं। देखिए इसको काट कर अब इसको सिलते हैं। अब इसको कैसे सिलना है ये देखिए। पहले सुई में धागे को लगा ली हूँ ऊन को, और अब ये सिलना शुरू करूँगी। तो देखिए इसमें उल्टे तरफ से इसको ऐसे कर लेना है और यहाँ से सिलना शुरू करूँगी। यहाँ से पहले ये दोनों धागे को बांध लेती हूँ। धागे को बांध लेने से ये होगा कि ये खुलेगा नहीं, अच्छे से यहाँ पर बंधा रहेगा। इसको अच्छा से बांध ली। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंगे। तो पहले इसको सील कर कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए मेरा मोजा ये सील कर तैयार हो गया है। अभी तो लग नहीं रहा है कि मोजा है, लेकिन अभी यहाँ पर इसको डिजाइन बनाएंगे तो ये मोजा जैसा लगने लगेगा। डिजाइन बनाने के लिए पहले सुई को धागा ले लेना है। सुई में धागा लगाकर अब यहाँ से शुरू करेंगे।
यहाँ तक खुला छोड़ेंगे इतना, अब इतना का सिल देंगे ऐसे करके। जैसे गूलते हैं कोई भी कपड़ा वैसे ही जी, आधा इधर छोड़कर और आधे पर सिलते हैं। यहाँ तक हो गया, अब इसको ऐसे खींच लेंगे और यहाँ पर बांध देंगे और ये अंदर कर लेंगे। बांध कर इसको अच्छा से सील देंगे, अच्छे से सील कर इसको नीचे की साइड से कर देंगे। अच्छा से इसको सील देंगे ताकि ये ना पता चले कि यहाँ पर सिला हुआ है। ऐसे सील देते हैं अच्छा से। ये देखिए अब ये मुझे जैसा लग रहा है ना। और अब यहाँ पर एक छोटा सा बटन डाल देती हूँ। ये बटन मेरा कोई डिजाइन वाला नहीं है, सिंपल सा बटन है। यहाँ पर ये रेड कलर का डाल देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर सिल लिए अच्छे से, इसको सिल देना है। ऐसे सिल दी, अब इस धागे को काट लेते हैं अच्छा से, पीछे से बांध देते हैं। अब इसको काट लेंगे, ये देखिए कट गया। और अब ये मोजा बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरा मोजा भी बना लेते हैं। आप इस ये जब बनाएं तो आप स्वेटर का सेट भी बना सकती हैं या बचा हुआ उनका भी थोड़ा सा बना सकती हैं। ऐसे ही रहेगा, ये जूता जैसा है। थैंक यू।